आपने धक्का मुक्की शब्द सुना होगा। धक्का मुक्की शब्द से जो समझ में आता है वो ये आता है कि कहीं धक्का लगा है और मुक्का लगा है, यानी मुक्की लगी है। ये शब्द मुक्का मुक्की से बना है, और मुक्की जो शब्द है, मुक्की एक बड़े कमाल का शब्द है। मुक्का उसका जेंडर मेल है, यानी कि मस्कुलर है, और मुक्की जो शब्द है वो उसका फेमिनाइन यानी कि स्त्रीलिंग है, और मुक्का पुरलिंग आता है। हम अगर ऐसे हाथ को, उंगलियों को अगर ऐसे कर देते हैं तो ये मुक्का बन जाता है, और अगर इसको ऐसे खोल देते हैं तो ये मुक्की बन जाता है। इसको पाली के अंदर मुट्ठी बोलते हैं। ये मुट्ठी शब्द इतने कमाल का है कि अगर आप एक मुट्ठी भर किसी को कुछ सामान देते हैं तो ये बुद्ध समय की और उससे पहले समय की एक प्राकृतिक मेजरमेंट है, प्राकृतिक नाप है वेट का और वजन का। यानी जब हम किसी को मुट्ठी भर कोई सामान देते हैं तो उसको कहते हैं एक मुट्ठी देना, यानी एक मुट्ठी उसकी माप मेजरमेंट उसकी हो गई। अगर हम किसी को ऐसे करते करते आठ मुक्की देते हैं, यानी कि आठ मुक्की अगर उसको हम सामान देते हैं, एक कुंची बोलते हैं उसको। एक कुंची का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा कि कभी गड्ढे में पानी भर जाता है तो हम दोनों हाथों का बनाकर, जिसको ओक बोलते हैं, ऐसे करके पानी को अगर हम कुल्च दें, पानी को उल्च दें या कुल्च दें, तो उसको कुंची बोलते हैं। तो आठ मुक्की अगर हम वजन के बराबर खुले हाथ से जो आठ मुक्की अगर सामान किसी को दें, आटा दें या गेहूँ दें या धान दें, तो उसको एक कुंची बोलते हैं। और ऐसे अगर हम 64 मुट्ठी अगर किसी को सामान देते हैं तो उसको एक शेर बोलते हैं। और ऐसे चार शेर अगर इकट्ठे हो जाएं तो उन चार शेर को एक आणक बोलते थे, और चार आणक अगर हो जाएं तो उनको बोलते हैं एक दोण। यानी कि जो 16 शेर हैं, 16 शेर के बराबर एक दोण होता है। दोण पुरानी माप है, और दोण एक जगह का नाम भी है जो आज की डेट में नेपाल के अंदर है। नेपाल के अंदर अगर आप राप्ती के आंचल में जाएंगे, राप्ती रिवर के आंचल में जाएंगे, तो वहाँ आपको एक दांग नाम की जगह मिलेगी जो नेपाल के अंदर आती है। वहाँ के जो पुराने समय के लोग थे उसको उस समय दोण बोलते थे, और वहाँ के लोगों को दोणवासी बोला जाता था। ये घटना इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको याद होगा कि जब भगवान बुद्ध का वैशाख पूर्णिमा को जब उन्होंने अपना शरीर अंत किया और अपनी सांसें ख़त्म की अपने कंट्रोल में होते हुए, उसके बाद 7 दिन बाद उनके शरीर को आग दी गई और वो अग्नि में विलय किया गया। और जब वो अग्नि में विलय हो गया तो वहाँ 10 भागों में उनका जो अस्थियाँ थी वो बटी। 8 भागों में उनकी हड्डियाँ जो अस्थियाँ थी, अट्ठियाँ थी, वो बटी। 1 भाग में जो राख जो ठंडी बची थी वो मिली, और जो लास्ट में जिस दोने से, दोना बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा शादी ब्याह में जो जिसमें आप रसगुल्ला खाते हैं या हलवा खाते हैं या मिठाई खाते हैं, उसको दोना बोलते हैं, उस समय उसको दौण बोलते थे। तो ये दौण होता है, और इसी को पुराने समय में दौणी बोलते थे। दौणी का मतलब होता है नाव छोटी सी या रिवर जो दोने के टाइप की होती थी। आज भी साउथ के अंदर दौणी चलती हैं, आपने देखा होगा दोने की तरह की जो एक नाव है जो घूमती रहती है, बिल्कुल सर्कुलर होती है, और वो उसमें घूमती है और उसमें लोग बैठ के यात्रा करते हैं, एक या दो, उसको दौड़ी बोलते हैं। तो दौड़ जो शब्द है वहीं से बना हुआ है। दौड़ का मतलब है कि मेजरमेंट करने वाला व्यक्ति या मेजरमेंट को मापने वाला व्यक्ति। क्योंकि जो धान आया है, जो खेत में फसल आई है, उस फसल का कहीं आपको राजस्व भी देना है, वहाँ आपको टैक्स भी देने हैं, जो वहाँ की व्यवस्था है उसको कुछ हिस्सा भी देना है। तो उस हिस्से की मेजरमेंट करने के लिए कुछ लोग होते थे और उनकी एक माप होती थी, उस माप के बर्तन को दौड़ बोलते थे। तो जो 9वां बंदा था, यानी कि जब वहाँ सब लोग इकट्ठे हो गए, कहानी ये बताई जाती है कि वहाँ जब 7वें दिन ये सारे के सारे क्रिया हुआ उनका, और आग उनको शरीर को लगाई गई, भगवान बुद्ध के शरीर को आग लगाई गई, तो उसके बाद जो वहाँ के कुशीनारा के जो मल्ल लोग थे, उन्होंने वहाँ उनकी अस्थियों को पहरे में रख दिया कि हम किसी को नहीं देंगे। और जब बाद में, क्योंकि 7 दिन हो गए, लोगों को खबर पहुँची और लोग वहाँ आए, तो और भी लोग आए जिसमें मल्ल थे, बुल्ली थे, लिच्छवी, कोली, मल्ला, साक्य, सब लोग थे, और पिपली वन के मौर्य भी थे। तो उन्होंने कहा हमें भी चाहिए। तो कहते हैं कि वहाँ युद्ध जैसी स्थिति आ गई। युद्ध जैसी स्थिति वहाँ नहीं आई है। आप ज़रा सोचिए उस स्थिति में कि जबकि सभी तो दुख में बैठे हुए हैं, अभी अभी तो भगवान बुद्ध का
शरीर अंत हुआ है, 7 दिन सारे हुए, 8वां दिन चला है और भिक्खु संघ वहीं है और भिक्खुणु संघ भी वहीं है, यानी भिक्खु संघ और भिक्खुणु संघ भी वहीं है और जितने भी मल्ला लोग हैं जो कुशीनगर के या कुशीनारा के जितने भी मल्ला लोग हैं उनके बच्चे, उनकी स्त्रियाँ, उनकी नारी वो गए नहीं वहाँ, क्योंकि वो एक तरह से वहाँ उत्सव का भी माहौल है, क्योंकि महापरिनिर्वाण हुआ है तो वहाँ नाच गाना भी है और उन्होंने वो प्रक्रिया पूरी पूरी राजा महाराजाओं की तरह की है भिक्खुओं के आदेश से, और सब कुछ संघ के कंट्रोल में है क्योंकि संघ तो सुप्रीम है, संघ तो सबसे बड़ा है, इसलिए ये बात कहीं हजम नहीं होती कि वहाँ युद्ध जैसी स्थिति आ गई, वो भी भगवान बुद्ध की हड्डियों के लिए, अस्थियों के लिए, और वो भी उस शास्त्रा के, उस टीचर के लिए जिसने जीवन भर करुणा, मैत्री और भाईचारा सिखाया हो, और सारे लोग जितने भी थे, चाहे उसमें मगध के अजात शत्रु थे, चाहे उसमें शाक्य थे, चाहे उसमें बुलिय थे, चाहे उसमें मल्ल थे, चाहे उसके अंदर पिपली वन के मौर्य थे, सभी लोग बहुत अच्छे थे और सभी ने जीवन भर सीखा है उनसे, तो लड़ने का तो प्रश्न कहीं दूर दूर तक भी नहीं बनता। हाँ, ये जो जिस मजदूर को वहाँ लगाया उसको दौड़ बोलते थे, क्योंकि दौड़ जो होते थे वो मजदूर होते थे और मजदूरी करना उनका काम था और वो तोल माप करते थे, तो दौड़ को आदेश दिया कि दौड़ तू यहाँ इनको 8 हिस्सों में बराबर बराबर माप दे और तोल दे। अस्थियाँ उसने 8 बराबर बराबर हिस्सों में माप के उनको दे दी। लास्ट में पिपली वन के मौर्य पहुँचे, तब तक अस्थियाँ बढ़ चुकी थी, जा चुकी थी, तो उनको जो राख वहाँ पड़ी थी वो राख, ठंडी राख उनको ले लेनी पड़ी, उसी से संतुष्ट हुए। वहाँ उन्होंने अंगार स्तूप बनाया जो पिपरवाह के अंदर, जो पिछली घटना में मैंने आपको बताया था। और जो दौड़ था, दौड़ ने अपने मेहनताने के रूप में वो जो दौना था, जिससे वो एक तरह से उसको बर्तन कहें, जिससे उसने उसको हिस्सा किया या राख को उठाया था, वो उसने मांग लिया उन लोगों ने सब, चूँकि वो दौड़ का दौना भी उसी का था, वो उसको दे दिया, वहाँ जाके उसने स्तूप किया। तो ये दौड़ की जो कहानी है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको द्रोण के नाम से बताया जाता है, मगर द्रोण तो पाली के अंदर शब्द ही नहीं है, क्योंकि आधा रह तो पाली में होता ही नहीं है, इसलिए ये सोचने वाली और समझने वाली बात है कि ये शब्द द्रोण है, द्रोण नहीं है। द्रय आधा रह का शब्द पूरी पाली साहित्य में कहीं है नहीं, और द्रोण का मतलब दौना होता है, दौड़ी का मतलब छोटी नाव जो दौड़े जैसी होती है, और द्रोण उनको बोलते हैं जो मेजरमेंट मापे थे, और द्रोण ही वो है जो 16 शेर वजन के बराबर माप होती है पुराने समय में। धन्यवाद।